नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज छोड़ता है जिसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलसिले में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? ह्यूमन के द्वारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर होते हैं वो ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं, एल्गोरिथम्स लिखते हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रोग्राम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो कहलाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है बनाने का जो मेन मकसद होता है डेवलपर का, यानी कि उस कंपनी के डेवलपर का मेन मकसद होता है वो उस कंपनी को प्रॉफिट जनरेट कराना सिक्योरिटी रीजन्स के लिए। और जो मेन पर्पस होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो एडवांसमेंट को लागू करना और टेक्नोलॉजी में परफेक्शन को बढ़ाना, एनहेंस करना। बाद में अगर हम बात करते हैं ये तो ये सपोर्टिंग किस चीज कहाँ कहाँ सेक्टर्स में ये सपोर्ट करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सपोर्टिंग आइडेंटिफाई डिसीज आउटब्रेक्स कि मानव के अंदर क्या क्या डिसीज है, क्या क्या बीमारियाँ हैं और उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट एबल होता है और बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। सेटेलाइट नेविगेशन में बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होता है। अगर हम बात करते हैं विल में यूज इन आर्मी एस ए डिफेंस में ह्यूमन की जगह जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट से बहुत ही ज़्यादा कारीगर साबित हो सकते हैं। ऑप्टिमाइज सैटेलाइट नेविगेशन नोटिस ह्यूमन एक्टिविटीज, और ये क्या करता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को क्या करता है नोटिस करता है, जिसकी वजह से काफ़ी कुछ सीखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोफेशनल होते हैं वो डेवलप करते हैं इनके एल्गोरिथम्स को, प्रोग्राम करते हैं मशीन के अकॉर्डिंग जो है पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है क्या करते हैं प्रोग्राम करते हैं कि कोडिंग की जाती है जिससे कि परफॉर्म कर सकें ह्यूमन की तरह, यानी ह्यूमन की जगह परफॉर्म ह्यूमन की तरह परफॉर्म कर सकें और उनके पास खुद की सेंस ऑफ एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपना अच्छा और बुरा सोच सकते हैं। क्रिएटिंग ह्यूमन जॉब्स, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अगर बढ़ती है इंक्रीज होती है जिस प्रकार से अगर हम लोग बात करें 2021 के बारे में, तो 2021 में बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे डेवलप किया गया था। तो 2022 फिर 2023 तो यहाँ पर मशीन लर्निंग को इंजीनियर की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी कंपनी जिस प्रकार से बढ़ रही है इंक्रीज़ होती है तो उस प्रकार से जो है मशीन लर्निंग इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड जरूरत पड़ेगी सीनियर डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड इस आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग यहाँ पे रिसर्च साइंटिफिक इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब के लिए उन्हें ये ज़रूरत पड़ेगी। डीप लर्निंग इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी और एल्गोरिथम्स इंजीनियर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इस प्रकार की जॉब्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इन जो प्रोग्रामर्स हैं कोडिंग्स जो लोग करते हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी और उनकी सैलरी भी अच्छी हासिल होती है। फ्रेंड्स, फिर अगर हम बात करते हैं AI की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है, मतलब अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किन किन रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है हम लोग उनको डेवलप करें या बना रहे, तो मैं बताना चाहूँगा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सेकेंड, ट्रस्ट बढ़ती मतलब भरोसेमंद हो। थर्ड इस टेक्नोलॉजी एक्सप्लेनेबल एंड ईजी टू यूज़, टेक्नोलॉजी को वो इस तरह से एनहेंस कर दें कि वो ईजी टू यूज़ हो, यूज़र फ्रेंडली हो और एक्सप्लेनेबल हो। विल आल्सो हेल्पफुल इन मशीन लर्निंग, मशीन को सीखने में यानी मशीन को समझने में सीखने में भी बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन फ्यूचर भविष्य में सेल्फ प्रोडक्शन सेंस एबिलिटी फॉर ह्यूमैनिटी पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स खुद के प्रोडक्शन के लिए, मतलब मानवता की भलाई के लिए, मानवता की प्रोडक्शन के लिए जो है सेल्फ प्रोडक्शन के लिए जो है वो मशीन्स पे, मतलब जहाँ जहाँ पे आर्मीज में अगर हम बात करें तो देश के लोग लड़ते हैं, देश के नौजवान लड़ते हैं, तो वहाँ पे उन रोबोट्स को आर्मी और डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात करते हैं, जो हम लोग अपने नॉर्मल गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, PCs वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क करता है। फ्रेंड्स, तो जो भी हम एक्टिविटी हम मोबाइल में करते हैं, चाहे हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं या किसी टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं या किसी टॉपिक से रिलेटेड हम जो है देखना चाह रहे हैं, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हमें एड्स होने लगते हैं फेसबुक में, तो इसमें भी AI वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ और
अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो से, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।